तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो डिजिटल सर्किट से रिलेटेड है। इसमें देखेंगे कि दो इनपुट दिए गए हैं, एक इनपुट यहाँ पर है 1 और एक इनपुट यहाँ पर है 0। हमें फाइनल आउटपुट y का वैल्यू बताना है ना। क्वेश्चन में कहा गया इन द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ y आउटपुट है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ये देखेंगे ये नॉट गेट है। नॉट गेट का मतलब ये होता है कि अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, मतलब ये 1 होगा तो वो 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये 1 होगा। तो ये तो 1 है तो यहाँ पर आना चाहिए आउटपुट 0, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। ठीक, अच्छा यहाँ देखेंगे ये भी नॉट गेट ही है, अगर ये 0 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पर। ये जो है एक होता है एंड गेट और इसके आगे ये नॉट लगाया हुआ है, तो ये हो गया नैंड गेट। ठीक, तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट कुछ ऐसा होता है ऐसा जिसमें दो इनपुट होते हैं एक आउटपुट होता है। तो एंड का मतलब हुआ अगर ये दोनों के दोनों 1 हुए तब ये 1 होगा, इसके अलावा कोई भी केस हो, एक भी 0 हो गया तो वो 0 हो जाता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, इसमें एक और नॉट गेट भी लगाया हुआ है। तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों 0-0 है, अगर ये 0-0 है तो यहाँ 0 होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर एक नॉट गेट भी आ गया है ना, एक नॉट गेट भी आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर यहाँ 0-0 रखा हमने तो यहाँ 0 आया तो ये 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में नैंड गेट है। तो नैंड गेट का ये 0 हुआ, ये 0 हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट 1। तो ये देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जा रहा है वायर, ये 1 ही रहेगा यहाँ तक। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखेंगे एक इनपुट 0 दिया है, एक इनपुट 1 हो गया, तो ये भी इसी तरह का जैसे ये था नैंड गेट वैसे ही है। ठीक, तो मैंने कहा कि दोनों के दोनों 1 होते हैं तभी यहाँ पर 1 आता है। ठीक, यहाँ पर क्या एक 0 है एक 1 है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए था, है ना, यहाँ पर 0 आना चाहिए, लेकिन आगे इसमें नॉट गेट भी आगे ये सर्किल बनाया है, तो इसका मतलब आना चाहिए था 0, लेकिन नॉट गेट है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ भी 1, यहाँ तक 1। अब फिर से ये नैंड गेट आया। ठीक, तो नैंड गेट में देखेंगे ये 1 और ये 1 दोनों हैं, है ना, तो अगर ये दोनों 1-1 होते हैं तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन आगे नॉट गेट है, ये सर्किल लगाया ना, तो ये तो एंड गेट है ये नॉट गेट है, तो नॉट गेट है अगर यहाँ पर 1 आया तो उधर आकर 0 आ जाएगा, तो दोनों 1-1 है तो यहाँ पर नॉट गेट से पहले आएगा 1, लेकिन नॉट गेट के आगे जाएंगे तो हो जाएगा 0, है ना, तो यहाँ पर आउटपुट हो गया 0 जो कि यहाँ तक जाएगा, ये 0 है पूरा। तो y जो आउटपुट है उसका वैल्यू आ जाएगा 0, तो ये जो है सेकेंड ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका।